आप लोग मेरे पीछे। नमस्कार, मैं हूं सैयद अली मेहंदी और आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम राजनगर सेक्टर 23 संजय नगर में हैं, जहां पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। आइए, यहां पर युवा भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ रही है, यानी जनता का मन टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे पास हैं, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम जी, आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। थोड़ा जोर से बोलिए हमारे दर्शकों। बीजेपी। बीजेपी क्यों आ रही है बीजेपी? अच्छे काम ही ऐसे करे ऐसे। जैसे मुझे दो तीन काम बताइए। जैसे बहुत सारे काम करे, देख लो, जैसे धारा 23 हटा दिया उसने, यहाँ से बाहर की विदेशी कंपनी आती उनको अपने यहाँ पे ला के काम अच्छे से रोजगार दे रही है सरकार को, और इसने हाईवे अच्छे बनवा दिए, यहाँ पे मेडिकल सर्विस भी अच्छी कर दी है, मंदिर बनवा दिए, और बहुत सारे काम है ऐसे ही कि मैं आपको क्या बताऊँ। गुंडागर्दी खत्म, भाई जब आपका नंबर आएगा, आपका नंबर भी आएगा, हम आपके पास भी आएंगे। गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म कर दी उसने, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार थी या कांग्रेस सरकार थी, तो देख रहे थे पुलिस वालों की क्या वहाँ पे बच्चे बाद में। अम्मा खड़ी, अम्मा कहते हैं और बताइए आपका क्या नाम है और कौन सी सरकार आने वाली है? जो 2012 में जो 2012 में हुआ था, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो सभी से काम किया था, बेरोजगारी उन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल के दाम उन्होंने बढ़ा दिए, डीजल के दाम उन्होंने बढ़ा दिए, रसोई गैस आम पब्लिक को जो मार इन्होंने दे दी है, इसकी पूरा उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार हमें लानी है, युवाओं को बचाना है, रोजगार बचाना है, क्योंकि इन लोगों ने, अगर आप गांव में चले जाओगे तो इन लोगों को गांव के अंदर किसान इनसे परेशान है, किसान 7-8 महीने से किसान धरना दे रहा है अपनी मांग के लिए, ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। हर तरीके से इन्होंने लट के जोर पे और पुलिस के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं, दमनकारियों की नीति अपनाना चाहते हैं, और अभी किसी गांव में आप जाके बड़े भाई सर्वे कर लीजिए, आप इन्हें गांव में घुसने भी नहीं दे रहे। अगर इनका कोई कार्यकर्ता वहाँ जाने का काम करता है तो खदेड़ने का काम करते हैं, अखिलेश जी भी इन्हें खदेड़ने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। हाँ, क्या नाम है आपका? सोनू, ये बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ रही है और क्यों आ रही है? भैया बीजेपी की आई है। क्या वजह है? भैया बीजेपी के सुन गए हैं, आज अब खत्म कर दिए बीजेपी को, कांग्रेस हो। अम्मा भी आई है, अम्मा क्या कहना है आपका, किसकी सरकार आएगी? बड़ों का कहना मानना सीखो। तो अम्मा का कहना है कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, लेकिन अम्मा इस सरकार के बारे में कुछ बात नहीं कर रही हैं। हम लोगों को बात करना है सिर्फ सरकार के बारे में, हमें निजी मुद्दों पे बात नहीं करना है। हाँ, तो क्या नाम है आपका और किसकी जी बताइए किसकी सरकार आने वाली है? आप यहाँ खड़े थे, मेरे क्वेश्चन आप लगातार बोल रहे थे, बताइए किसकी सरकार आने वाली है? शिक्षा, क्यों, क्या वजह है? शिक्षा, सबका साथ, सबका विकास। अच्छा, और किन कारणों से इन मुद्दों को आप मानते हैं कि बीजेपी ही गवर्नमेंट आएगी? इसमें कोरोना में बहुत बढ़िया काम करा है, बहुत ही अच्छा बंदोबस्त करा है, विदेशों में हमारी छवि बनी है इस बीजेपी की वजह। तो बीजेपी की वजह से विदेशों में छवि बनी है, ये कहना यादव जी का। आपका नाम क्या है और क्या करते हैं आप? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। अच्छा, बताएं किसकी सरकार आ रही है आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में? आगामी विधानसभा में हवा तो जिस हिसाब से चली रही है वो बीजेपी की रहेगी और टक्कर बराबर की रहेगी। अच्छा, वजह बताएं कि बीजेपी क्यों आएगी? अपराधों पर कंट्रोल तो हुआ ही है और गुंडागर्दी कम है, काफ़ी योजनाएँ करी हैं। हमारे पास कुछ और लोग हैं जो बताएंगे कि किसकी सरकार आ रही है और उनका मत क्या है। हम पब्लिक के बीच में है, लगातार बात कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? तनु। तनु, किसकी सरकार आ रही है आगामी विधानसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है? अच्छा, क्या कारण है सपा के आने का? कोई काम नहीं होता, तो कोई काम होता है तो काटने पड़ते हैं 50 फिर भी काम नहीं होता, लेकिन जब तक सपा में ऑटोमेटिकली हम काफ़ी अच्छे काम हो जाते थे बिना कुछ कहे हुए।
तो तनु का कहना है कि सपा में बहुत अच्छे काम होते थे और लगातार काम होते थे। हमारे पास कुछ और लोग भी हैं, बताइए क्या नाम, आपका क्या नाम है? राहुल। राहुल, आप वोट देते हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। बीजेपी क्यों आ रही है, उसके क्या कारण है? आइए, और भी कई लोग हमारे पास हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर, कौन हमसे बात करना चाहेगा, आइए आप बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं नहीं बताएं, किसकी सरकार आएगी आगामी विधानसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है? तो किसको वोट देंगे आप? अखिलेश को देंगे। तो नईम का कहना है कि वह अखिलेश को वोट देंगे। और हमारे साथ ये क्या नाम है भाई आपका? विकास। विकास, आगामी विधानसभा चुनाव में, जैसे मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूँ सबसे, आपसे वही सवाल है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ रही है? भाजपा। क्यों आ रही, किस तरह से आ रही है? बहुत से बढ़िया काम करती है घर में, घर में किसान के जो पानी वाली सुविधा है सबने उन्होंने बहुत अच्छा करा है मोदी सरकार ने, और जो बहुत काम करी है, बहुत ज़्यादा काम करें। अच्छा, तीन मुद्दों पे आप वोट देंगे? कह रहे हैं तो आपने किस तरह से देखा कि यहाँ अधिकतर लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि वे भाजपा को देंगे वोट, किस तरह देंगे? हमारे साथ एक महिला भी है, आइए हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है मैम आपका? अच्छा जी, बताइए आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ रही है, आपको क्या लगता है? भाजपा आ रही है। किन कारणों से आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भाजपा आ रही है? सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। जैसे जैसे दो तीन काम बताइए हमें। सड़क बनी हुई है, सारा ही विकास करवाया है, खत्म करिया। तो मोदी जी और योगी जी यहाँ पर जनता के दिलों में आज भी कायम है, हालांकि कुछ लोग विभिन्न तरीकों से अपनी वजहें बता रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, लेकिन अधिकतर हमने देखा यहाँ पर युवा, महिलाएं और अन्य लोग इसी तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ही आने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव में। क्या नाम है आपका? नाम तो बताओ। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है? इनका कहना है कि इन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी सरकार आए, यानी कि कुछ लोग जो नोटा का प्रयोग करते हैं वो इसी तरह के होते हैं, जो अपनी मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं उनकी नज़र में सपा, बसपा और कांग्रेस सभी एक तरह के लोग हैं। और भी हमारे पास एक व्यक्ति हैं, आइए, क्या नाम है आपका, और हम आपसे बात करना चाहेंगे, इनकी पान की दुकान है, और ये बताएं क्या नाम है आपका? राजकिशोर। किसकी सरकार आने वाली है, आपको क्या लगता है? जोर से बोलिएगा। सपा सरकार। किस पॉइंट पे आप कहते हो इस बात को लेकर? इनका कहना है अखिलेश भैया ने बहुत सारे काम करवाए, उनकी सरकार आएगी। हमारे पास कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका, जोर से बोलिए। प्रदीप। प्रदीप, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? इनका कहना है ये नसीब है किसकी सरकार आ जाए, यानी कि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की राय है, और यहाँ पर हमारे साथ लोग बढ़ते जा रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ रही है, आपको क्या लगता है? फिर भी कोई आप बताइए, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी? भाजपा आएगी। भाजपा की सरकार आएगी, किन मुद्दों पे आपको लगता है कि भाजपा की सरकार वापस आना चाहिए? अच्छे काम करें और रोड वगैरह बनाइए और लोगों की जो परेशानियाँ उनको सॉल्व करिए। तो इनका कहना है कि रोड बनाए हैं, अच्छे काम करें, लोगों की परेशानियों को सॉल्व किया है। तो आपने देखा किस तरह से लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन हमने अगर 10 लोगों से बात कही है तो निश्चित रूप से 7 लोग यानी 70% 70% लोगों का यही कहना है कि भाजपा सरकार एक बार फिर प्रदेश में आएगी, और योगी आदित्यनाथ का काम अच्छा लगा उन्हें और उन्होंने उन्हें फुल मार्क्स दिए हैं। स्पेशल कवरेज न्यूज़ के लिए सैयद अली मेहंदी, गाजियाबाद।